स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th इकोनॉमिक्स टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है इसका कोलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी। हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हो गया था जब हमारा देश आजाद हुआ था। उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, हमारा देश आजाद होने से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब रूल था। कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेशवाद, यानी कि एक ऐसा टाइम जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं कॉलोनियल। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण करना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियंस का करीब 200 साल तक शोषण किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस का 200 साल तक करीब शोषण किया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शोषण किया, किस तरह से उसने हमारा इस्तेमाल किया, मेहनत हमने करी, फायदा उन्होंने उठाया, इसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर का किस तरह से इस्तेमाल किया और किस तरह से हमारे इंडियंस को एक्सप्लोइट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसमें क्या लिखा, थ्रो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लोइटेशन करा इंडियंस ने किसके द्वारा, जमींदारी सिस्टम के द्वारा। यानी कि हमारे इंडियंस जो जमींदारी सिस्टम था वो हमारे जो लेबर्स थे, लेबर्स वर्क करते थे और जो उनसे जो भी फायदा होता था वो सारा फायदा जमींदार का होता था। जो जमींदार होते थे वो अपनी जमीन के ऊपर काम करवाते थे लेबर्स के द्वारा, और जो भी उससे इनकम प्राप्त होती थी उसका कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देते थे और सारा अमाउंट अपने पास रखते थे और उस अमाउंट से अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। वे कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट में कि जो भी लैंड रिवेन्यू आया, जो भी पैसा आया, वो सारा पैसा उन्होंने अपने पास रखा और जो लेबर उस जमीन के ऊपर काम करती थी उस लेबर को केवल इतना ही पैसा दिया ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और कोई भी आगे सरप्लस मतलब कोई भी आगे इन्वेस्टमेंट ना कर सके। उन्हें केवल इतने ही पैसा देते थे जिससे कि अपनी रोजी रोटी को यूज कर सके बस। इसके बाद इधर जमींदार वाज डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सोइल, जो जमींदार थे उन्होंने कह दिया कि हम इस जमीन के मालिक हैं। जो जमींदार थे जिनकी जमीन थी वो अब उसके मालिक बन गए, केवल और केवल वे अपने नीचे लेबर को लगाते थे, सारा काम लेबर करती थी और जो भी उससे आने वाला इनकम थी, जो भी उससे आने वाला फायदा था वो सारा वो अपने आप यूज करते थे। टाइलर्स का मतलब होता है लेबर, ओनर ऑफ द सोइल पढ़ा आपने एक, तो दूसरा टाइलर ऑफ द सोइल। ओनर ऑफ द सोइल का मतलब हो गया मिट्टी के मालिक और टाइलर ऑफ द सोइल हो गया कि उस सोइल पे जो लेबर काम करती थी उसे बोलते हैं टाइलर, यानी कि लेबर। लेबर बोथ बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, लेबर जो है वो प्राप्त करती थी मिनिमम, बहुत ही कम पैसा प्राप्त करती थी केवल इसके लिए सर्वाइवल करने के लिए, यानी कि जीविका के लिए वो केवल बहुत ही कम पैसा उन्हें प्राप्त होता था जिससे कि वो केवल और केवल दो वक्त की रोटी ही खा सकते थे। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, ना उनके पास इतना पैसा बचता था ताकि वो आगे इन्वेस्टमेंट कर सके। नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, उनके पास कुछ भी सरप्लस नहीं बचता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो भी उनके पास पैसा था उससे केवल वो केवल अपनी जीविका कमाते थे, रोजी रोटी करते थे बस। इसके बाद जमींदारी स्पेंड देयर रिवेन्यू इनकम फॉर लग्जरी लाइफ, जो जमींदार थे वो खर्च करते थे अपनी इनकम को, जो भी जमीन से पैसा आया उस इनकम को इस्तेमाल करते थे किसके लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, यानी कि अच्छी लाइफ के लिए। मतलब जो जमींदार थे उन जो जमीन पे काम करके लेबर्स पैसा देते थे जमींदारों को, उससे वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी को व्यतीत करते थे जमींदार। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया के ऊपर, जो ब्रिटिश रूल था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से दूषित हुआ था। ब्रिटिश रूल के अंडर में हमारे इंडियंस किस तरह से एक्सप्लोइट हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर किस तरह से दूषित हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर का किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शोषण किया था। हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनते थे। हैंडीक्राफ्ट का मतलब
हस्तशिल्पकार जो हाथों से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्ति को बनाते थे और वे मूर्तियां बाहर बेचते थे विदेश में, और उनसे बहुत ही अच्छा बेनिफिट उनके पास आता था। तो जो हैंडीक्राफ्ट में बाहर एक्सपोर्ट करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उस एक्सपोर्ट को कम करना शुरू कर दिया। अब एक्सपोर्ट कम कैसे हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कम कैसे किया, एक्सपोर्ट कम इसलिए, एक्सपोर्ट कम करने के लिए उसने एक पॉलिसी चलाई, एक्सपोर्ट कम करने के लिए उसने एक पॉलिसी चलाई, और उस पॉलिसी में उसने जो है एक्सपोर्ट पे टैक्स ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा होना शुरू हो गया, तो ब्रिटिश मतलब जो इंडियंस थे वो टैक्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो भी हैंडीक्राफ्ट से जो भी मूर्तियां बनाते थे बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, अगर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा इंडियंस को, तो वे एक्सपोर्ट धीरे धीरे भुगतान करना बंद कर देंगे। तो हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, हैवी ड्यूटी उन्होंने लगा दी, लागू करनी शुरू कर दी, एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी उन्होंने लागू करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट तो इस तरह से कम हो गया। अब बात आई, ब्रिटिश ने भारत भेजना बंद करवा दिया हैंडीक्राफ्ट को। अब बात आई कि डोमेस्टिक में तो चली रहा कम से कम हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक में बंद करवा दिया हैंडीक्राफ्ट। कैसे बंद करवाया डोमेस्टिक में, ब्रिटिश ने डोमेस्टिक में हैंडीक्राफ्ट बंद करवाने के लिए क्या चार कर ली, जो ब्रिटिश गुड्स थे ब्रिटिश ने ब्रिटिश गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, वो भी फ्री ऑफ फ्री ड्यूटी गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो धीरे धीरे हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी कम होनी शुरू होगी किस चीज की, हैंडीक्राफ्ट की। धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट की डोमेस्टिक डिमांड भी कम होनी शुरू होगी। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एक फेमस बहुत क्वालिटी वैरायटी, मतलब जो हमारी इंडियन क्राफ्ट थी बहुत ज्यादा फेमस थी, हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी बहुत ज्यादा फेमस थी क्वालिटी में भी और वैरायटी में भी, और उसने वर्ल्ड वाइड एंजॉय किया था, वर्ल्ड वाइड एंजॉय किया था। अपनी रेपुटेशन जो थी उनकी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी थी रेपुटेशन हैंडीक्राफ्ट की। ठीक हो गया, तो इसमें आप इसमें तो आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हैंडीक्राफ्ट किस तरह से खत्म करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने पढ़ा कि जमींदारी सिस्टम हुआ, और जो भी पैसा वहाँ पे जो भी पैसा आता था इनके पास उस पैसे का भी इस्तेमाल करते थे, उस पैसे का भी इस्तेमाल करते थे, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा मतलब जीते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, और लेबर को जो भी पैसा आता था वो केवल और केवल उनके लिए केवल सर्वाइव करने के लिए पैसा आता था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आई पूछ लेगा। थैंक यू।